नमस्कार ए टू जेड डिशेस उषा कोरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अलसी की मठरी ये बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में और ख़ास बात यह है कि ये गेहूं के आटे में से बनाई गई है तो काफ़ी हेल्दी भी है इसे चाय के साथ खाए या बच्चों को दे बहुत ही मज़ेदार लगेगी एक बार बनाकर रख दे और एक से दो महीने तक आप इसे खा सकते हैं तो बिल्कुल भी देर नहीं करते चलिए बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए मैंने बाउल लिया है इसमें मैं डालूंगी दो कप गेहूँ का आटा तो ये आटा मैंने डाल दिया है और दो चम्मच जितनी मैं अलसी डाल रही हूँ आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी और एक चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं मोइन के लिए मैं डाल रही हूँ तीन से चार चम्मच तेल इससे ज़्यादा नहीं तीन से चार चम्मच तेल डालें और अच्छे से इसे मिलाएं मोइन करने से ये जो हमारी मटरी है वो खस्ता बनती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आटे के अंदर अच्छे से मिला लिया है मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर लिया एक कप पानी थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे और आटा गूँधेंगे आटा नहीं ज़्यादा हमें नरम चाहिए और ना ही ज़्यादा हमें सख्त चाहिए मीडियम आटा हमें तैयार करना है इसीलिए थोड़ा थोड़ा करकर पानी डालें और आटे को गूँधे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डाल रही हूँ और आटा कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है देखिए ना ही ज़्यादा ये सख्त है और ना ही ज़्यादा ये नरम है मीडियम आटा है हल्का सा तेल लगा कर इसे फिर से मसल लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मसल लिया है और ये देखिए इस कप से मैंने एक कप पानी इसमें डाला है अब ढक कर इसे बीस मिनट तक रख देंगे 20 मिनट के बाद गैस को ऑन करेंगे आंच को धीमी करेंगे और इसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे इसमें मैंने तेल डाल के रख दिया है इसे गरम करना है एकदम धुएँदार नहीं हल्का गरम चाहिए तो जब तक ये गरम हो रहा है आटे को 20 मिनट हो चुके हैं फिर से हल्का सा तेल लगा कर इसे हम चिकना कर लेंगे तो यहाँ पर आटे को मैंने चिकना कर लिया है अब इसे हम चार हिस्सों में बांट लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कर लिया अब एक हिस्से को लेकर दोनों हाथ में मसल लेंगे और इसे चकले पर रखेंगे और इसे हमें बेलना है देखिए रोटी से हल्का सा मोटा होना चाहिए ये तो इस तरह से मैं इसे बेलती जा रही हूँ और देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए रोटी से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए उसके बाद मैंने फोक चम्मच यानी कांटे वाला चम्मच लिया है इसमें ये पूरी रोटी में थोड़ी थोड़ी जगह पर हमें ये होल करने इससे जो हमारी मठरी है वो फोलेगी नहीं तो ये पूरी रोटी में इस तरह से हमें करने हैं तो यहाँ पर मैंने ये पूरी रोटी में कर ली है देखिए मैं आपको आगे से भी दिखा देती हूँ देखिए इस तरह से होने चाहिए अब इसे हमें कट करना है तो मैंने यहाँ पर ये पिज़्ज़ा कटे ले लिया आप नाइफ से यानी चाकू से भी इसे कट कर सकते हैं तो यहाँ पर आप मनपसंद अपने शेप के हिसाब से कट कर सकते हैं जो आपको शेप पसंद हो मैंने यहाँ पर डायमंड शेप कट किया है आप स्क्वायर भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो और एक्स्ट्रा का देखिए इस तरह से मैं निकाल लूँगी जो एक्स्ट्रा का है उसे मैंने निकाल लिया और इसे फिर से आटे में मिला हम बना लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है तेल को देखिए हल्का सा ये आटा डाल के देखना है देखिए धीरे धीरे सिक रहा है इतना ही हमें गरम चाहिए एकदम धुएँदार गरम नहीं कीजिएगा तेल को हल्का गरम होना चाहिए अब इसके अंदर हम ये मठरी डालेंगे तो यहाँ पर मैंने मठरी डाल दी है अब इसे एक से आधी सेकंड तक हमें हाथ नहीं लगाना है देखिए तेल के ऊपर ये तैर कर आ जाए तभी इसे हम पलटेंगे तो एक से आधी मिनट तक इसे ना हुए उसके बाद अभी भी हमारी आंच धीमी है इसे हमें अच्छे से पलटते जाना है और इसे एकदम सुनहरी खस्ता होने तक तलना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की सी ये सीखना शुरू हो चुकी है तो हम आंच को मध्यम कर लेंगे और इसे तल लेंगे धीमी आंच से मध्यम आंच के बीच में आपको इसे तलना है तो हमारी तैयार हो चुकी है तो इसे मैं इस तरह से निकाल लूँगी और दूसरी भी मैं तेल में डाल दूँगी सेम प्रोसेस है आधी से एक मिनट तक इसे छूना नहीं है तेल के ऊपर तैर कर आ जाए तो इसे पहले आपको धीमी आँच पर तलना है उसके बाद मध्यमाश करनी है जब तक हम और भी बना लेंगे तो आपको इस तरह से बेलना है रोटी से थोड़ी ज़्यादा मोटी फिर कांटे वाले चम्मच से होल करना है और इसे कट कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी ये वाली मछली भी बनकर तैयार है अच्छा कलर आ चुका है और एकदम खस्ता हो चुकी है और इसी तरह से मैंने ये अलसी की सारी मठरी तैयार कर लिए एकदम खस्ता बहुत ही मज़ेदार और ख़ास बात यह है कि इसमें मैदे का इस्तेमाल नहीं हुआ है ये गेहूँ के आटे में से बनी हुई है तो आप इसे आराम से खा सकते हो तो इसे बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन बताएं आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग